बुधवार को देश दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे देश इसमें शामिल है। श्रीलंका में इस दिन को वेसाख के नाम से जाना जाता है। शहर में भी बुद्ध जयंती बड़े ही सादगी के साथ मनाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते अनुसया के अनुयायियों के लिए दीक्षा भूमि को बंद थी, मगर लोगों ने बाहर से ही अभिवादन किया। साथ ही आज के दिन के लिए दीक्षा भूमि को सुंदर लाइटिंग से सजाया गया। लाइट की रोशनी में दीक्षा भूमि निखर उठी थी। पालक मंत्री नितिन राउत ने भी एक वीडियो जारी कर सभी को बुद्ध जयंती की शुभकामना दी। समता, शांति, बंधुभाव, प्रज्ञाशील करुणा, विवेक बुद्धि का शाश्वत मार्ग समस्त मानव जाति दाखविणारे महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची 26 मे रोजी 2565वी जयंती आहे। या जयंती निमित्त आणि वैशाख पौर्णिमे निमित्त मी आपणास सर्वप्रथम हार्दिक शुभेच्छा देतो। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियो दपनं एतन बुद्धान सा सर्व पापांपासून दूर राहणे, सर्व चांगल्या गोष्टींची जपणूक करणे आणि स्वतःचे मन शुद्ध ठेवणे ही तथागत बुद्धाची शिकवण आहे। महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे देशातील जाती व्यवस्थेतील पीडित उपेक्षित वर्गाला तथागत भगवान बुद्धाने दाखविलेला मुक्तीचा मार्ग प्राप्त झाला। नीतिवान समाज निर्माण करण्यासाठी राज्य व्यवस्था सुद्धा नीतीवर आधारित असली पाहिजे व तिने लोकांचे मूलभूत प्रश्न सोडविले पाहिजेत। हा बुद्ध विचार आजही सार्वकालिक सत्य आहे आणि या विचारांचा मी पायिक आहे। करोना या आजाराशी आज सारे विश्व लढत आहे। प्रत्येकाने शक्यतो घरात राहून आणि घराबाहेर पडावेच लागले तर काळजी घेऊन करोनापासून स्वतःचा बचाव करणे गरजेचे आहे। त्यामुळे यावर्षी बुद्ध पौर्णिमा घरीच साजरी करून विश्वशांतीचा संदेश देणाऱ्या महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्धाचे आपण खरे अनुयायी आहोत हे दाखवून देऊया। बुद्ध वैशाख पौर्णिमेचा हा पूर्ण चंद्र तुमच्या आयुष्यातले दुःख नाहीसे करून सुख शांती आणि समाधान घेऊन येवो आणि आपण करोनापासून मुक्ती पावो हीच माझी प्रार्थना आहे। पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम।